मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होगा? मल्टी के नाम से पता चल रहा है, एरे विद इन एरे। ओके, मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विद इन एरे। अब कैसे एरे विद इन एरे लिखने का तरीका है ये आप देखिए, पीएचपी की कोडिंग करने के लिए हम स्टार्टिंग टैग लगा देंगे, है ना, क्लोजिंग के लिए क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट लगाने लगा देंगे, इन दोनों के बीच में हमें जो भी कोड है वो लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर मार्क्स इक्वल टू, मैं एक एरे बना रही हूँ, मैं क्या शो करना चाह रही हूँ, मल्टी डायमेंशनल एरे शो करना चाह रही हूँ। उसमें क्या बताना चाह रही हूँ कि जो मोहम्मद है उसके तीन सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ओके, तो मोहम्मद नाम की एक पर्सन है जिसके थ्री सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, लाइकवाइज कादिर एक पर्सन है जिसके थ्री सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, जारा एक है जिसके तीन सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम जो कर रहे थे एरे, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, उसमें बाय यूजिंग द इंडिसेज वी आर असाइनिंग द वैल्यूज, ओके, और विदाउट इंडिसेज वी आल्सो असाइन द वैल्यूज, इसी टाइप से कर रहे थे ना, एक एक वैल्यू दे रहे थे। इसके अंदर मैंने एक एरे लिया है जिसमें मोहम्मद नाम का एक पर्सन ले लिया, ओके, और एसोसिएटिव एरे का यूज करते हुए मैंने एक और एरे बना लिया है, एक और एरे बना लिया है जिसमें मैं उसके सब्जेक्ट ले रही हूँ, फिजिक्स में 35 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में उसने अडॉप्ट किए हैं 30 मार्क्स, है ना, केमिस्ट्री में गेन किए 39 मार्क्स, और यहाँ क्लोज कर देते हैं और उसके बाद कॉमा लगाना पड़ता है। देख रहे हो तुम, मेन एरे तो ये था, मेन एरे हमारा कौन सा था, ये था। इस एरे में मैंने वैल्यू ली, ओके, एक आप मान लीजिए ये इंडेक्स ले लिया, इस इंडेक्स पे मैंने एक और एरे बना लिया है, समझ रहे हो, एरे विद इन एरे ले रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ना, फिजिक्स में 35 मार्क्स आ गए, तो इस 35 के लिए फिजिक्स क्या हो गया, एक इंडेक्स हो गया, है ना, ये सारे इंडिसेस हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ तक हमारा एक एरे कंप्लीट हो गया, एरे विद इन एरे का, तो कॉमा लगा देंगे। फिर मेरे को कादिर का देखना है, देन मैंने अगेन एसोसिएटिव एरे लिया, और एसोसिएटिव एरे के बाद अब मुझे वैल्यू देनी है इसकी, तो मेरे को एक और एरे लिखना पड़ेगा, ARRAY, देन मार्क्स दे रही हूँ फिजिक्स के मैथ्स के केमिस्ट्री के, वैल्यूज दे दी, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, अब मुझे ज़रा के मार्क्स लिखने हैं ना, तो ज़रा के बाद मैंने एसोसिएटिव सिंबल का यूज़ किया है, इम्प्लाइज दैट है, और एरे लिखा, ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगेन मैंने वैल्यूज दे दी और पैरेंथेसिस क्लोज। देख रहे हो तुम, अब लास्ट का इसके बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन एरे है आपका, जो हमने स्टार्टिंग की थी मेन एरे की, उसकी बॉडी को क्लोज करेंगे, यानी क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। ये आपको माइंड में रखना है, जब थ्योरी का आप अडॉप्ट करेंगे, है ना, जब आप कर रहे होंगे वो क्वेश्चन पेपर, तब आपको ये सिंटैक्स का ध्यान रखना है कि मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है। अब मैंने इको करा दी वैल्यूज, इको कैसे कराएंगे, मैं चाहती हूँ कि मुझे मोहम्मद के फिजिक्स के मार्क्स पता चल जाए, डबल एरे हो गया ना, है ना, टू डायमेंशनल एरे हो गया ये, इसके मार्क्स पता चल जाए। तो देखो कैसे लिखा है मैंने, मार्क्स फॉर मोहम्मद इन फिजिक्स डॉलर मार्क्स, वैल्यूज कहाँ जाके स्टोर हो रही है, डॉलर मार्क्स में, तो मैंने डॉलर मार्क्स लिख दिया, देन ब्रैकेट में मोहम्मद लिख दिया, उसके बाद फिजिक्स भी लिख दिया, डॉट करके BR लगा दिया कि नेक्स्ट लाइन में मुझे पता चल जाए, और इको मार्क्स ऑफ कादिर मैथ्स के भी इसी तरीके से लिख दिया, जरा के केमिस्ट्री में इसी तरीके से लिख दिए, ठीक है। तो ये जीरो पोजीशन हो गई, जीरो की जीरो, ये कौन सी पोजीशंस हो जाएगी इसकी, ये पोजीशन कहेगा जीरो की जीरो पोजीशन, जीरो की वन पोजीशन, जीरो की टू पोजीशन, ओके, इसी तरीके से वन की जीरो पोजीशन, वन की वन पोजीशन, वन की टू पोजीशन, लाइकवाइज टू की जीरो पोजीशन, टू इंडिसेस पे वन पोजीशन, टू एंड टू इंडिसेस, समझ रहे हो, ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसका देखो वेब पेज पे देखते हैं आउटपुट हम,
बैक करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये देखिए मार्क्स ऑफ मोहम्मद इन फिजिक्स, उसने एक्सेस कर लिया ना ऑटोमेटिकली कादिर के और जरा के। ओके, तो एरे विद इन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके,